भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। लाल टोपी पहनते हैं। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है। इसी बीच बसपा प्रमुख मायावती ने मंगलवार देर रात सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट करते हुए बड़ा फैसला लिया है। दरअसल मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाने के साथ साथ अपना उत्तराधिकारी बनाने का फैसला भी वापस ले लिया है, जिसके बाद से यूपी समेत पूरे देश में मायावती को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। आइए जानते हैं मायावती ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया। नमस्कार, मैं हूं मंटू और आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पिछले साल 10 दिसंबर 2023 को मायावती ने सपा की बैठक में अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर कमजोर राज्यों में आकाश आनंद काम कर सकते हैं, जो कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ी जिम्मेदारी थी। इसके बाद आकाश आनंद ने पार्टी के मंसूबे पर खड़ा उतरने के लिए आक्रामक अंदाज में करीब 2 दर्जन से ज्यादा रैलियों को संबोधित किया और बसपा के पक्ष में राजनीतिक माहौल बनाने के लिए मशक्कत करने लगे। लेकिन बात तब बिगड़ी जब उन्होंने सीतापुर में भड़काऊ भाषण दिया, जिसके बाद उन पर FIR तक दर्ज की गई। चलाता है साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। वही पार्टी प्रमुख मायावती ने आकाश आनंद को हटाने के पीछे अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर बताया कि पार्टी और उसके मूवमेंट के व्यापक हित को देखते हुए पूर्ण परिपक्वता आने तक आकाश आनंद को दोनों जिम्मेदारियों से मुक्त किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आकाश आनंद के पिता आनंद कुमार पार्टी और मूवमेंट में अपनी जिम्मेदारी पहले की तरह ही निभाती रहेंगे। दूसरी ओर राजनीतिक गलियारों में मायावती को लेकर ये चर्चा हो रही है कि मायावती और बीजेपी के बीच आंतरिक अलायंस है और आकाश आनंद लगातार बीजेपी को लेकर बयानबाजी कर रहे थे, जिसको देखते हुए मायावती ने आकाश आनंद को एमेच्योर बताते हुए बहुजन समाज पार्टी के पद से हटाया है। खैर, मायावती ने आकाश आनंद को हटाने के पीछे वजह पहले ही क्लियर कर दी है, लेकिन राजनीतिक दाव पेच के बीच क्या मायावती अपना फैसला बदलती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म।